कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर साहिबगंज कांग्रेसी कार्यकर्ता में काफी जोश देखा जा रहा है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फरवरी से झारखंड में पाकुड़ विधानसभा से होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम अपने आवास इस्लामपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के महासचिव तनवीर आलम युवाओं में जोश भरने में लगे हैं। हमारे यहाँ के लोग जो हैं, हमारे वर्कर्स, हमारे नेता, सारे लोग इस प्रोग्राम के लिए अपना अपना क्षेत्र में जन सहयोग कर रहे हैं और यहाँ का लोग चाहते भी थे। जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत हुई थी तो पाकुड़ नहीं, पूरी झारखंड के कोने कोने से लोग कह रहे थे कि राहुल जी का यात्रा भी झारखंड में होना चाहिए। हम लोग भी पत्रचार दिए थे, इसलिए यहाँ के तमाम लोगों को खुशी है कि हम लोग जो अनुरोध किए थे उस अनुरोध का भी पूरी होने जा रहा है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत 2 तारीख को पाकुड़ में आएंगे। आपके माध्यम से हम तमाम लोगों से भी अपील करेंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप लोग शामिल हो, राहुल जी को देखे, राहुल जी की बात को सुने। तैयारी किस प्रकार से चल रही है? तैयारी हमारे फूल मैंने ठीक है, तैयारी में कभी कम नहीं हुई है। आप जानते हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता आए हैं और हम जब भी कोई भी रैली या कोई भी प्रोग्राम किए हैं इस क्षेत्र में, ऐतिहासिक रैली हुई है और मुझे लगता है कि सारे मैंने सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए एक ऐतिहासिक सफलता। इस यात्रा का लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारा चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक है कि लोगों के बीच में जाएंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन मेरा मकसद आज देश किधर जा रहा है, आज हम महंगाई पर बात होनी चाहिए, आज बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, आज किसानों पर बात होनी चाहिए, आज महिला अत्याचार पर बात होनी चाहिए, लेकिन आज इस कोई चर्चा नहीं, इसके लिए कोई चर्चा नहीं होती है। सरकार बनती है लोगों का चेहरा पर मुस्कान लाने के लिए, लेकिन हमने देखा कि मुस्कान तो धीरे धीरे खत्म हो गया और हमारी देश का जो सद्भावना है वो कहीं ना कहीं आज कुछ ऐसी प्रचार तंत्र बने हैं जो सद्भावना कहीं से कम लगता है मुझे कम होते जा रहा है। इसलिए भारत जोड़ो का मन में जो मुद्दा है, मकसद है, और राहुल जी जनता के बीच में जाकर जो अव्यवस्था फैली हुई वो अव्यवस्था को कैसे व्यवस्था में परिवर्तन, सुव्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, उस दिशा में राहुल जी काम कर रहे हैं। पाकुड़ साहिबगंज जिला के तमाम वर्कर काफी उत्साहित हैं और ये प्रोग्राम पाकुड़ के नसीपुर गांव के बगल में हो रहा है और ऐतिहासिक ये सभा होगी, ये कार्यक्रम होगी और मैं समझता हूँ कि 2024 में झारखंड में इसका परिणाम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी, एक सवाल बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है और अब जो खबर है कि आज दूसरी सरकार बनने जा रही है, तो ये नीतीश की जो राजनीति है इसे कांग्रेस किस प्रकार से देखती है? देखिए, नीतीश की राजनीति के साथ साथ हम बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ है राहुल जी का और ये मणिपुर से मुंबई तक का यह यात्रा है। उसी क्रम में आज 2 तारीख को संभावित झारखंड में उनका प्रवेश होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आप देखे होंगे जब भारत जोड़ो यात्रा जब फर्स्ट फेज के जब स्टार्ट हुआ था वो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक गए थे, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया था कि एक इंसान के द्वारा ये कभी संभव नहीं हो सकता तो पैदल चल सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया। बारिश, ठंड, श्रीनगर जब वो पहुँचे तब बर्फबारी भी हो रही थी और पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है उनको देखे और देखने के बाद वो एक चीज़ तो साबित किए कि अगर कोई भी चीज़ को अगर हम लोग ये संकल्प ले लें कि उसके मंजिल तक हमें पहुंचना है तो निश्चित तौर पे कोई भी मुश्किलें जो है वो मुश्किल नहीं होता है, आसान हो जाता है। राहुल जी ने तो तय किया फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में उनका जो यात्रा है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में वो निकाले हैं। आज जो हिंदुस्तान की जो परिस्थिति है ये हम लोग से छुपा हुआ नहीं है। आज अगर आप देखें तो हर एक वर्ग शोषित है, बेरोजगार जो है चरम सीमा पर है, महंगाई जो है वो चरम सीमा तक पहुंच चुका है,
महिलाएं पर अत्याचार हो रही है। अगर आप देखें तो जो हमारे नौजवान हैं आज डिग्रियाँ ले लेके जो है वो सड़क पर घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, सिर्फ ऊपर जुमलेबाजी वगैरह हो रहा है। लेकिन जो देश के लिए, जो यहाँ के लोगों के लिए, जो देश हित के लिए जो भी बातें होनी चाहिए वो कहीं पर हो नहीं रहा है। और बड़ी अफसोस की बात है कि जो तंत्र इस चीज़ को उठाना चाहिए या जो चीज़ को दिखाना चाहिए या सुनाना चाहिए वो चीज़ दिख नहीं रही है। तो राहुल जी ने तय किया कि चलो ठीक है, जब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है तो सबसे बेहतर उपाय है कि हम सीधा सड़क पर उतरें, लोगों से संवाद करें, नौजवानों से मिले, महिलाओं से मिले, किसानों से मिले और उनके बारे में जो है हम सुने, जितना हो सकता है हम उसके बातों को सुने और जो स्थिति है उस चीज़ को जो है हम उन तक पहुँचाएँ। और आप देखे होंगे कि उनका यात्रा जो मणिपुर से स्टार्ट हुआ था, मणिपुर चल रहा है, कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं, और आज मणिपुर पिछले कितने दिनों से डिस्टर्ब, आज कोई वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन राहुल जी उनके डेलीगेट्स मणिपुर के लोगों के बीच में गए, जब मणिपुर जल रहा था लोगों से संवाद किए, लोगों से बात किए और उन्होंने अपना यात्रा भी वहाँ से स्टार्ट किया। जैसे जैसे उनका कारवा बढ़ता गया, मेघालय पहुँचे, असम पहुँचे, अभी बंगाल में हैं, तो निश्चित तौर पे आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और फिर अन्य चैनलों के माध्यम से कि कैसे लोग जो है उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए जो है लोग उमड़ पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे झारखंड के नौजवान और झारखंड के लोग राहुल जी से मिलने के लिए, राहुल जी के बातों को सुनने के लिए निश्चित तौर पर उत्साहित है। आप लोग खुद स्वयं आज यहाँ पर आए, कल ही हम लोग का तय हुआ कि आज हम लोग एक बैठक रखना है सुबह 9 बजे, क्योंकि यहाँ से हम लोग को पाकुड़ भी जाना है और आप देखते होंगे कि किस हिसाब से यहाँ पर मजमा लगा। तो स्वाभाविक बात है कि जो लोग जिसको पसंद करते हैं, जिसके विचारों को पसंद करते हैं, जिनकी जिस पार्टी को पसंद करते हैं, आज उन्हीं का नेता जब हमारे अगर झारखंड में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर उस दिन आपको देखिएगा।